हेलो एवरीवन, वेलकम टू नवयुग एजुकेशनल यूट्यूब चैनल नवयुग प्रगति। दिस वीडियो इज फॉर क्लास फोर्थ EVS चैप्टर नंबर 16 अ बिजी मंथ पार्ट टू इन विच टुडे आवर टॉपिक इज डिफरेंट टाइप्स फॉर डिफरेंट नीड्स। चिल्ड्रन, in the previous video we have learnt about the different kinds of birds and their nest. बच्चों, हमने पिछले वीडियो में बहुत सारे birds के बारे में पढ़ा था और उनके nest के बारे में भी जाना था। In this video we will learn about the different kinds of birds' feet and their uses. We will also learn about their different kinds of beaks and their uses. बच्चों, इस वीडियो में हम बर्ड्स के अलग अलग तरह के फीट और बीक के बारे में जानेंगे और उनके यूजेस के बारे में भी जानेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बच्चों, हम अपना सारा काम अपने हाथ की हेल्प से, अपने पैरों की हेल्प से करते हैं, लेकिन बर्ड्स के पास तो ना हाथ होते हैं ना पैर होते हैं, तो वो अपना सारा काम किससे करती होंगी? यस, वो अपना सारा काम अपनी फीट और अपनी बीक की हेल्प से करती हैं। अपने पैरों और अपनी चोंच की हेल्प से वो अपना सारा काम करती है। सो इस वीडियो में हम उनके पैरों और उनके चोंच के बारे में जानेंगे कि वो अपने पैर से और अपने चोंच से क्या क्या काम करती हैं और उनके पैर कैसे होते हैं। हियर आर सम पिक्चर्स ऑफ बर्ड्स फीट। ये कुछ पिक्चर्स है बच्चों बर्ड्स के पैरों के। कैन यू लुक एट द पिक्चर ऑफ बर्ड्स फीट एंड टेल हाउ बर्ड्स यूज देम। क्या आप उनके पिक्चर्स को देख के बता सकते हो कि बर्ड्स इनसे क्या काम करती होंगी? लुक एट दिस पिक्चर एंड टेल फॉर व्हाट पर्पस डू द बर्ड्स यूज दीज फीट। इस तरह के पैरों से बच्चों बर्ड्स क्या काम करती होंगी? Birds such as goose and swans use these feet for swimming. Birds जैसे कि goose, swans, ducks इस तरह के feet से swimming करती हैं और इस तरह के feet उनकी help करते हैं swimming करने में। इस feet को क्या बोलते हैं बच्चों? Webbed feet. Have a look at this picture. What do birds do with these feet? इस तरह के पैर से क्या करती होंगी बर्ड्स? बर्ड्स सच एज इंडियन रॉबिन एंड क्रो यूज दीज फीट टू होल्ड द ट्री ब्रांचेस। इस तरह के पैरों से वो पेड़ों की शाखाओं को पकड़ के रखती हैं जिससे कि वो नीचे ना गिर सके। व्हाट डू बर्ड्स डू विद दीज शार्प क्लॉज फीट? इस तरह के शार्प क्लॉज फीट से बर्ड्स क्या करती होंगी? Birds like eagle and vultures use these feet to catch their prey. And what is prey? Prey is an animal or insect that is hunted and killed by these birds. Prey क्या होते हैं? उनके शिकार होते हैं जिन्हें वो hunt करती है और उन्हें वो क्या होते हैं उनके शिकार? कौन कौन से होते हैं जानवर? इंसेक्ट्स होते हैं और छोटे छोटे जानवर होते हैं। व्हाट डू यू थिंक ऑफ दीज पॉइंटेड क्लॉज फीट? इस पॉइंटेड क्लॉज फीट से क्या करती होंगी बर्ड्स? द बर्ड्स सच एज वुडपेकर एंड बाबिट यूज दीज फीट टू क्लाइंब द ट्रीज। इस तरह के पैरों से वो पेड़ों पे चढ़ती है। ये देखिए पिक्चर में ये दोनों बर्ड्स भी चढ़ी हुई हैं पेड़ों पे। सो इस तरह के पैर उन्हें हेल्प करते हैं पेड़ों पे चढ़ने में। डू यू नो हाउ दीज लॉन्ग फीट हेल्प द बर्ड्स? इस तरह के लंबे पैर बर्ड्स को क्या हेल्प करते होंगे? बर्ड्स सच एज पेंगुइन्स एंड हेन यूज दीज फीट टू वॉक ऑन लैंड। इस तरह के पैरों से बर्ड्स जैसे कि पेंगुइन्स और हेन
जमीन पे चलते हैं, ये चलने में उनकी मदद करती है। नाउ वी विल लर्न अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स एंड देयर बीक्स। बच्चों अब तो हमने पैरों के बारे में जान लिया, अब बर्ड्स के अलग अलग तरह के बीक्स के बारे में सीखेंगे। Can you look at these pictures of the birds' beaks and tell how birds use them? क्या आप birds के beaks के pictures को देख के बता सकते हो कि birds उनसे क्या काम करती होंगी? What do you think of the picture of this beak? इस तरह के beak को देख के आपको क्या लगता है कि आप bird क्या काम करती होंगी? Birds such as eagle and vulture tear and eat meat with it. Birds जैसे कि eagle और vulture इस तरह की beak से meat को tear करती है और उन्हें खाती है। How do the birds use this pointed beak? इस तरह के pointed beak से birds क्या करती होंगी? Birds such as woodpecker and barbet have these pointed beaks to make holes in wood and tree trunks. इस तरह के beak से woodpecker और barbet जैसे birds पेड़ में hole करती हैं, अपना घोंसला बनाती हैं hole करके। How does this beak helps the bird? इस तरह के beak से birds क्या करती होंगी? Birds such as sunbird and hummingbird have this type of beak to suck the nectar from flowers. इस तरह के बीक से सनबर्ड और हमिंगबर्ड जो हैं वो नेक्टर को चूसती हैं फूलों के। एंड व्हाट इज नेक्टर? नेक्टर क्या है बच्चों? फूलों के रस को नेक्टर कहते हैं। नेक्टर इज द स्वीट लिक्विड प्रेजेंट इन फ्लावर्स। What do you think of this picture of this long beak? इस तरह के लंबे बीक से birds क्या करती होंगी? Birds such as crane and kiwi find insects and worms from the mud and shallow water. Birds जैसे कि crane और kiwi इस तरह के लंबे चोंच से insects को और worms को shallow water में से खोजती हैं और mud में से भी, और उन्हें खोज के फिर वो खाती हैं। How does this beak helps the birds? Birds such as sparrow and parrots use this beak to break and crush the seeds. इस तरह के बीक से birds जैसे कि sparrow और parrot beaks seeds को क्या करती हैं? Crush करती हैं, बीज को crush करती हैं, फिर उन्हें खाती हैं। For what purpose do the birds use this beak? इस तरह के बीक से birds क्या करती होंगी? The birds such as crows and chickens use this beak to cut and eat many kinds of food. बच्चों पता है crows जो होती है और chickens होती है ये सब तरह के food को खाती हैं। वो हम लोग की तरह वो ओमनीवोरस होती है, वो सही अनाज वगैरह भी, रोटी वगैरह भी खाती हैं और वो फिर छोटे छोटे कीड़े वगैरह को भी खाती हैं। सो बर्ड्स सच एज क्रोस एंड चिकन्स यूज दिस बीक टू कट एंड ईट मैनी काइंड्स ऑफ फीड। इन बीक से वो बहुत तरह के खाने को कट करती है और उन्हें खाती हैं। सो नाउ चिल्ड्रन वी हैव लर्नड दैट बर्ड्स हैव different shape and size of beaks depending upon the food they eat. बच्चो हमने ये पता चला कि अलग अलग तरह के उनके बीक से, अलग अलग तरह के बीक्स के शेप और साइज से वो अलग अलग तरह के खाने को खाती है। Summary: In this video we learned about different kinds of birds' feet and beaks and their uses. इस वीडियो में हमने बर्ड्स के अलग अलग तरह के फीट और
अलग अलग तरह के बीक्स के बारे में जाना और उनके यूजेस के बारे में भी. वी हैव ऑल्सो लर्न दैट द डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस ऑफ बर्ड्स फीट एंड बीक्स डिपेंड अपॉन देयर नीड्स. हमने ये भी जाना, हमने ये भी सीखा कि उनके अलग अलग तरह के पैर और उनके अलग अलग तरह के चोंच उनकी अलग अलग तरह की नीड्स को पूरी करती हैं. Now it's homework time. Observe the birds near your house. You have to observe the birds near your house, the shape and size of their beaks and feet, and also find out the names of those birds and food they eat. आपको क्या करना बच्चों? Observe करना है, देखना है आपके घर के आसपास जो भी birds हैं उनको ध्यान से देखना है, उनके पैरों के और उनके बीक्स के शेप और साइज़ को भी ध्यान से देखना है और पता करना है कि ये कौन सी बर्ड्स हैं, उनके नाम क्या हैं और ये क्या खाती हैं. सो वी कैन कंक्लूड दैट डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस ऑफ बर्ड्स फीट एंड बीक्स डिपेंड्स अपॉन देयर नीड्स. सो विद दिस वी कम टू एन एंड. Thank you.